हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव व सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले से हरियाणा ने प्रदेश व विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है, तो वहीं पर ठीक उसी प्रकार अन्य व्यापार मेलों में भी हरियाणा अपनी छाप छोड़े, इसके लिए व्यापक स्तर पर योजनाबद्ध ढंग से तैयारियां करनी होगी। मुख्य सचिव 14 नवंबर से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारियों के लिए समीक्षा के लिए बुलाई गई व्यापार मेला प्राधिकरण हरियाणा की 32वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के 2,40,00,000 रुपए के बजट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में बताया गया कि इस बार के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल होगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 14 नवंबर से शुरू होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा के पेविलियन को और अधिक आकर्षक एवं रचनात्मक ढंग से तैयार करवाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां को बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैठक में धान की फसल से संबंधित लीजा वाइज आवक, खरीद, पेमेंट आदि के बारे में विस्तार से समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ खरीद सीजन 2022-23 में धान खरीद हेतु 2010 मंडियां खोली गई हैं, जिनमें से 1 नवंबर 2022 तक 55,10,156 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां को बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को गुरुग्राम के सेक्टर 47 में नवनिर्मित राम कृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज के प्रदेश के पहले केंद्र में ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन की ओर से मुख्यमंत्री को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। वर्तमान परिवेश में युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत कराया जाए ताकि वे प्रेरित होकर सन्मार्ग पर चले। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के चित्र के सामने जाते ही युवाओं में जोश भर जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के समय संस्कार युक्त शिक्षा का जो पौधा लगाया गया था, आज वह वटवृक्ष का रूप लेकर न केवल देश में अपितु पूरे संसार में उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। एक साथ दर्शन मुझे हो रहे हैं और मैं अभिभूत हूं इस दृश्य को देख करके, क्योंकि यहां जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के समय से, मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का, यानी जो पौधे उस समय लगाए गए थे, वो किस प्रकार एक वट वृक्ष बनकर के सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में उनको फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि अभी तक जो मुझे बताया गया कि इस प्रकार के केंद्र 200 केंद्र अपने हैं देश विदेश में, और हरियाणा में यह पहला केंद्र है जो हमको ये उपलब्ध हुआ है। स्वामी शांत आत्मानंद जी महाराज ने मुझे कहा कि हमको एक जमीन चाहिए, तो हमें मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि इस प्रकार का केंद्र यहां खुल रहा है। लेकिन एक प्रक्रिया होती है यहां जमीन की, हमारा जो डिपार्टमेंट है HSVP, उस डिपार्टमेंट को अप्लाई करना पड़ता है, उनका कोई प्लॉट होते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम इतना ही है कि उसमें प्राथमिकता जरूर बताते हैं कि जो अप्लाई करेंगे, ये प्राथमिकता अगर दी जाती है तो समाज के लिए अच्छा रहेगा, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा,